भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज कल्पतरु किताब का विमोचन किया। कल्पना अमर ठाकुर ने बताया कि आचार्य हरिशंकर दुबे के आशीर्वाद से इस किताब को मैंने लिखा है। इस किताब में कबाड़ बिनते बच्चे, नारी सशक्तिकरण, प्रदूषित हो रही यमुना नदी और अपने देश के सैनिकों पर बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है और अंत में मैंने इसमें कुछ गाने भी लिखे हैं। अरचित रचना कल्पतरु का विमोचन हुआ है और मेरे आचार्य डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी की बहुत कृपा रही है हम पर, और इसमें मैंने सभी विषयों पे कविताएं लिखने की कोशिश की है। अंत में इसमें 11 गीत हैं। कुछ खास इसमें क्या है, इसमें कविताओं में किसान के बारे में, इसमें सभी मतलब कबाड़ बीनते बच्चों की भी किताब है, नारी शक्ति के बारे में भी मैंने लिखा है, इसमें पर्यावरण की चिंता भी है, इसमें मैंने श्रृंगार के गीत भी लिखे हैं और स्त्री को कमजोर नहीं बहुत सशक्त बताया है मैंने, और स्त्री में एक तितली भी है, एक चींटी के समान वो मेहनत करती है और एक नदी भी है वो, यह सब मैंने बताया है। और युद्ध नहीं होना चाहिए तो युद्ध निरर्थक है, इसका मैंने पैगाम दिया है, और अपने देश के वीर जवानों पर भी कविता है इसमें। और प्रदूषण होती नदियाँ, खासकर यमुना, इस पर मैंने बहुत बड़ी कविता लिखी है कि कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। नाम बताएं। श्रीमती कल्पना अमर सिंह ठाकुर।